सिंडोलैसिटिक एसिड इज एक्चुअली एन ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्यूरीन डेरिवेटिव में आपका आएगा काइनेटिन, ओके। सो काइनेटिन इज एक्चुअली अ साइटोकाइनिन, ओके, ये सब आपको याद रखना है। सो काइनेटिन इज एक्चुअली अ साइटोकाइनिन। एंड नेक्स्ट इज योर कैरोटेनॉइड्स। सो कैरोटेनॉइड्स में आपके आएगा ए बी ए, दिस ए बी ए इज एक्चुअली सिंपली योर एब्सिसिक एसिड, ओके, एब्सिसिक एसिड। एंड योर नेक्स्ट इज योर टर्पीन डेरिवेटिव्स। सो नेक्स्ट इज योर टर्पीन डेरिवेटिव। सो टर्पीन डेरिवेटिव में आपका क्या आएगा, यू विल हैव दिस जी ए, सो दिस जी ए मीन्स योर जिबरेलिन्स, ओके। So I'm not writing the full name. This is just the GA means the gibberellins, okay? And next, isme jo last category aati hai, that is your gaseous hormones. Gaseous mein there's only and only one example. Ye direct question aata hai, and isme aapka always answer aega ethyl, okay? The only gaseous phytohormone is the ethyl, okay? So this was the basic introduction, or you can say the composition. And आपके ग्रोथ प्रमोटर्स जो होंगे, दे विल बी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, इनहिबिटर विल बी ओनली वन, एब्सिसिक एसिड, एंड द इथाइलीन, इट इज एक्ट्स एज बोथ एज द इनहिबिटर एज वेल एज द प्रमोटर, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू स्टडी ईच फाइटोहार्मोन इन डिटेल। सो फर्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद योर ऑक्सिन, राइट। सो ऑक्सिन क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में ऑब्जर्व किसने किया था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दे वर गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दिए थे। एंड हाउ डिड दे एक्चुअली ऑब्जर्व, इन्होंने क्या किया था, दे टुक अ प्लांट, देयर वाज अ ग्रास जिसको हम कैनरी, दे टुक द कैनरी ग्रास। सो उन्होंने क्या किया था सबसे पहले, सो दे ऑब्जर्व दैट व्हेन द कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास वॉज एक्सपोज टू लाइट, सो व्हेन द कॉलियोप्टाइल of canary grass was exposed to light, so when the colloptile of canary grass was actually exposed to light, it showed bending towards light, so it showed bending towards light, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, सपोज इन्होंने ऐसा कुछ किया था, दे टुक द एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, दे टुक द कॉलियोप्टाइल ऑफ दिस वाज द कैनरी ग्रास, एंड कैनरी ग्रास से दे टुक द कॉलियोप्टाइल, ठीक है। तो उस कॉलियोप्टाइल को उन्होंने क्या किया, दे प्रोवाइडेड द लाइट फ्रॉम हियर, सो दे यहाँ पे एक साइड से उसको इल्यूमिनेट किया, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट डिड दे ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि द टिप of the colloptile, it actually bent, it kind of bent towards the light, ठीक है। So they were kind of shocked कि what is this, ठीक है। So they started studying it, they started more analyzing it, ठीक है। तो इन्होंने तो सिर्फ इतना observation दिया था, इसके बाद they did not do anything, they couldn't actually figure it out कि मतलब what is this particular substance जो यहाँ पे ऐसे tip पे present है, which is actually causing it to bend towards the light, okay? So they could not basically conclude what it was. So फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आया, which was Wendt, ठीक है? So Wendt ने क्या किया? Wendt discovered and isolated the auxins, ठीक है? isolated auxins, and auxins को उसने कहां से isolate किया था, मतलब he again analyzed their observations, but उसने बाद में he came up to the conclusion कि ये जो substance responsible है that is actually your auxins, ठीक है।
ऑक्सीजन उसने बोला, एंड इसने इनको आइसोलेट कहां से किया था, ये आइसोलेटेड देम फ्रॉम द सीडलिंग्स ऑफ ओट, आइसोलेटेड देम फ्रॉम द सीडलिंग्स ऑफ ओट, ठीक है, जो ओट्स का प्लांट होता है, ओट का प्लांट होता है उसके सीडलिंग्स में से ही आइसोलेटेड है, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया, सो पहले आई हैव टू रब इट, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, सो इसने वेंट ने क्या किया, ही ऑब्जर्व, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सो हिज ऑब्जर्वेशन वर दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट इट शोड बेंडिंग एज शोन बाय डार्विन, ठीक है। सो द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट शोड bending towards light as shown by Darwin, ठीक है, जैसे Darwin ने observations दिए थे उसी के basis पे he also said, but उसका जो experimental plant था that was different, he worked on oat plant, तो इसने क्या किया, he took the coleoptile of oat, so he took the coleoptile of ओट, ठीक है, ओट का कोलियोप्टाइल लिया, उसको डीकैपिटेट किया, डीकैपिटेट मतलब उसका टिप को रिमूव कर दिया, उसको ऐसे टिप से रिमूव कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही डीकैपिटेटेड इट, इसको ऐसे टिप से कट कर दिया, डीकैपिटेट कर दिया, देन उसने फिर क्या किया, ही प्लेस्ड इट ऑन एन अगर ब्लॉक, ठीक है, इन टिप्स को उसने ही प्लेस्ड देम ऑन दी अगर ब्लॉक, ठीक है। तो अगर ब्लॉक, सपोज इट इज दी अगर ब्लॉक, इफ दिस इज दी अगर ब्लॉक, दिस इज योर अगर ब्लॉक, एंड इसके ऊपर ही प्लेस्ड दीज डीकैपिटेटेड टिप्स, ठीक है। एक तो इसने सिनेरियो ये लिया, ठीक है, एंड दूसरे सिनेरियो में उसने क्या किया कि कोलियोप्टाइल के टिप के ऊपर ही प्लेस्ड द अगर ब्लॉक, ठीक है। एक सिनेरियो तो इसने, एक कंडीशन तो ये ली, एंड दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया, ही टुक दिस कोलियोप्टाइल एंड इस कोलियोप्टाइल के ऊपर ही प्लेस्ड द अगर ब्लॉक, सो दिस इज द अगर ब्लॉक, ठीक है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, एंड इसको यहां पे उसने लाइट प्रोवाइड की, ठीक है। सो ऑन प्रोवाइडिंग लाइट व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, दैट द डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल इट शोड बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, सो ये जो कोलियोप्टाइल है व्हाट डिड इट शो, एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशंस लाइक डार्विन, सो इट शोड बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, सो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल शोड bending towards light, ठीक है। सो इसके observations जो थे they were exactly like that of Darwin, ठीक है, but further के जो conclusions थे it was given by Wendt only, ठीक है, and he showed that the chemical for bending towards the light it was actually present in tip, so Wendt showed that the chemical for bending, was present in tip, ठीक है।
डार्विन ने तो सिर्फ इतना बोला था कि जो टिप था इट बेंट टुवर्ड्स द लाइट, बट ही एक्चुअली आइसोलेटेड दैट केमिकल एंड इसने जो टर्म ऑक्सिन है इट वॉज ऑल्सो गिवन बाय वेंट. सो द टर्म वॉज गिवन बाय वेंट. ठीक है, वेंट ने ही ऑक्सिन ये टर्म दिया था. ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी एक्चुअली बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन. ठीक है, अच्छा अभी जो हमने जस्ट जनरल इसके बारे में डिस्कशन किया, जो ऑक्सिन्स होते हैं दे आर एक्चुअली योर डेरिवेटिव्स ऑफ द इंडोल कंपाउंड. सो दीज ऑक्सिन्स आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल कंपाउंड्स. ओके, वी हैव जस्ट सीन इट, डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल कंपाउंड्स. अच्छा, जो नेचुरल ऑक्सिन्स जो नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, the examples of natural auxins include, what are the examples of natural auxins? Natural auxins include IAA and IBA. IAA and IBA. So IAA is the indole acetic acid and IBA is indole butyric acid. So this IAA and IBA, they are the auxins which are naturally present in a plant. Okay, now a few examples of synthetic auxins mein aapke kya aayega, it will include NAA, and this NAA stands for naphthalene acetic acid. Okay, this NAA stands for naphthalene acetic acid, 2,4-D or 2,4-T. Okay, 2,4-D, 2,4-D stands for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. So it is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Okay, similarly it can be 2,4-5-T and it would be trichloro phenoxyacetic acid. ठीक है, and what is the site of synthesis of auxins? So what is the site of synthesis of auxins? So what is the site of synthesis of auxins? So the site of synthesis of auxins is actually your apical meristem. जो plant का tip होता है, ग्रोइंग रीजन होते हैं जहां पे बड्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज पर्टिकुलरली द साइट जहां पे दीज ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन. ओके, सो द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, द फर्स्ट फंक्शन, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय ऑक्सिन. सो द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट प्रमोट्स सेल डिविजन. ऑब्वियसली टिप पे प्रेजेंट है, सो इट इज गोइंग टू प्रमोट cell division. So this is the first function, that auxins, they help in promoting the cell division. Okay, second function is that it initiates the lateral root formation. Okay, it initiates lateral root formation. Lateral root formation matlab ke कि रूट की ब्रांचिंग करवाएगा, सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, ये सब जो है दैट विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन्स. ठीक है, सो ऑक्सिन्स दे इनिशिएट द लैटरल रूट फॉर्मेशन. ओके, थर्ड जो फंक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट शोज एपिकल डोमिनेंस. सो इट शोज एपिकल डोमिनेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब तक, एज लॉन्ग एज, मतलब सपोज इफ दिस इज द स्टेम, ठीक है, स्टेम है प्लांट की, एंड यहाँ पे टिप पे दिस इज द बड विच इज प्रेजेंट. सो जो टिप पे है, सो एज लॉन्ग एज दिस एपिकल बड इज देयर, द ग्रोथ, और ये जब तक ग्रो करा, इट वॉन्ट अलाउ द लैटरल बड्स टू ग्रो. ठीक है, मतलब कि अगर आप सोचते हो कि ये जैसे कोई स्टेम है, तो स्टेम पे जब तक ये टिप पे बड प्रेजेंट है, एपिकल बड प्रेजेंट है, तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. तो ये जो ऑक्सिन है, इट विल शो द एपिकल डोमिनेंस. ठीक है,
तो जब तक ये ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो द लैटरल ग्रोथ ऑफ द बड्स दे वोंट बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका सिर्फ ये टिप को प्रमोट करेगा, वो लैटरल ब्रांचिंग प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। सो इट शोज द एपिकल डोमिनेंस, व्हिच मींस एज लॉन्ग एज द एपिकल बड इज ग्रोइंग इट वोंट अलाउ द लैटरल बड्स टू ग्रो। सो एज लॉन्ग एज एपिकल बड ग्रोज इट वोंट अलाउ द लैटरल बड्स टू ग्रो, ठीक है। सो दिस इज द स्नेक्स फंक्शन, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, नेक्स्ट फंक्शन फोर्थ इज इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। सो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये आपको फंक्शन एज इट इज ऐसे ही लर्न करने, जिस प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा है उसी में ही ये करेगा, कोई और भी अपनी मर्जी से रैंडमली यू कैन नॉट एड एनी प्लांट, ठीक है। सो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। सो अगर किसी पाइनएप्पल प्लांट में अगर हमको फ्लावरिंग quickly induce कराना है तो we can spray auxin on that, ठीक है। Next it induces parthenocarpy in tomatoes, so it induces parthenocarpy in tomatoes, ठीक है। So it induces parthenocarpy in tomatoes and next it prevents the premature leaf fall and fruit fall, so it prevents premature leaf and fruit fall, मतलब जब तक कि ये leaves and fruits completely mature नहीं हो जाते तब तक this auxin will prevent its premature fall, ठीक है। और इसको आप एक अलग point भी बोल सकते हैं, that is it promotes accession in the old leaves and mature fruit and it promotes accession in older leaves and fruits, तो मतलब जो old leaves and fruits है उनके fall को promote करता है, whereas it prevents the premature leaf and fruit fall, ठीक है। जो younger leaves और fruits होते हैं उनके fall को prevent करता है। Next it helps in xylem, helps in xylem differentiation. So these are a few functions of the auxin, that is promote cell division, initiates the lateral root formation, मतलब branching of roots को introduce करेगा, induce करेगा, shows apical dominance, promotes flowering in pineapple, induces parthenocarpy in tomatoes, prevents premature leaf fall and the fruit fall, and promote करेगा in the older leaves and fruits. Also helps in xylem differentiation. Okay, now what are the applications of auxin? मतलब how can we use this auxin? Applications क्या है? So the applications, what does the applications include? First is it is used in tissue culture. जो tissue culture करते हैं, used in tissue culture. Tissue culture में actually क्या होता है कि हम cells को मतलब जो प्लांट है उसको एक पर्टिकुलर स्टेज तक लैब में ग्रो करते हैं, मतलब वी प्रोवाइड द वेरियस कंडीशंस, वी प्रोवाइड द सॉइल एंड यू द फाइटो हॉर्मोन्स टू द प्लांट, एंड जो थोड़ा वो जब वो प्लांटलेट बन जाता है तब तक वी अलाउ इट टू ग्रो इन द लेबोरेटरी, एंड व्हेन इट बिकम्स अ प्लांटलेट देन वी ट्रांसफर इट टू द फील्ड, ठीक है। सो जो वो फाइटो हॉर्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को एब्सोल्यूटली एसेंशियल होते हैं, तो उसमें हम उसको वी गिव देम थ्रू आउटसाइड, हम बाहर से देते हैं, एक तो ऑक्सिन देते हैं एंड एक साइटोकाइनेंस देते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑक्सिन, दैट इज दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन योर टिश्यू कल्चर। सेकेंड इज दैट इट ऑब्टेन प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग, सो इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्लांट्स फ्रॉम स्टेम
कटिंग, मतलब अगर आपके पास किसी स्टेम की सिर्फ एक कटिंग प्रेजेंट है एंड इफ यू स्प्रे ऑक्सिन ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेम, सो वी कैन कंप्लीटली गेट अ न्यू फ्लेजेड प्लांट फ्रॉम दैट स्टेम. ओके, नेक्स्ट इज 2,4-D एंड 2,4-5-T, दे आर यूज एज वीडिसाइड. सो 2,4-D एंड 2,4-5-T, दे आर यूज एज वीडिसाइड्स. वीडिसाइड्स मीन्स कि वीडिसाइड्स मतलब कि दे आर यूज टू किल द वीड्स. ठीक है, सो दीज आर यूज एज वीड्स इन द फील्ड्स. नेक्स्ट, दीज ऑक्सिन्स दे ऑल्सो किल द डाइकॉट और द ब्रॉड लीव्ड वीड्स. मतलब ये वीड्स में बेसिकली किसको किल करते हैं? सो दीज ऑक्सिन्स दे किल द डाइकॉट, दे किल द डाइकॉट और जो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो ब्रॉड लीव्ड वीड्स होती हैं उनको ये ऑक्सिन्स जो है दे किल देम. ठीक है, दे एक्ट एज वीडिसाइड्स फॉर देम एंड दे डू नॉट कॉज एनी डैमेज टू मोनोकॉन्स. सो दे डोंट कॉज एनी डैमेज टू मोनोकॉन्स. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस, अच्छा ये एपिकल डोमिनेंस को कैसे यूज करते हैं? तो कटिंग टिप्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स टू मेक देम ब्रांच. मतलब कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने बोला कि जब तक एपिकल बड प्रेजेंट है तब तक स्टेम की लेटरल लैटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं कर सकती है. ठीक है, तो अगर अगर आप उस एपिकल बड को, इफ यू रिमूव दिस एपिकल बड, अगर ये जो आपका एपिकल बड है इसको अगर आप कट कर देते हो, तो जब एपिकल बड ही नहीं होगा तो एपिकल डोमिनेंस प्रमोट नहीं होगी. तो जब एपिकल बड कट हो जाएगा तो द लैटरल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम कैन नाउ ग्रो. ठीक है, सो दिस कैन बी एन एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन. नेक्स्ट इज मोर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. सो जो ये फंक्शन जो है वही एक इसकी एप्लीकेशन भी है. सो इट प्रमोट मोर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. ठीक है, सो मोर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. सो मतलब अगर स्प्रे कर देते हैं पाइनएप्पल के ऊपर तो जल्दी फ्लावर्स आ जाते हैं, हेंस कैन प्रमोट मोर फ्रूट फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन द सीडलेस फ्रूट. सीडलेस फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी फंक्शन में स्टडी किया था, that induces parthenocarpy in tomatoes. ठीक है, and the last is it prevents premature leaf fall and the fruit fall. So it prevents premature leaf fall and fruit fall. ठीक है, so these were the various applications of auxin. So मैं आपको सिर्फ यहाँ तक auxin तक ही कराऊंगी, because gibberellins, जो gibberellins है वो थोड़ा उसमें time लगेगा. And जितना आज ये plant growth and development वाले chapter में हुआ है वो आप पढ़ के आएंगे, learn करेंगे, and I'll ask you the questions from this. जितना आज तक हुआ है, मतलब आज जितना plant growth and development